भैया 5 साल सांसद कहाँ रहे हैं? 5 साल में नहीं, 3.5 साल रहे, भाग गए। और उनके भागने का नाकामयाबी था कि 1.5 साल के लिए दिनेश लाल निरहुआ आया, जिस सड़क पे आप खड़े हैं उसके साथ शहर का एक एक सड़क बचपना में देखे थे कि रंबा से लोग खो देते थे, आज देख रहे हैं आँख खोलते हैं तो रोड बन के तैयार। छठ का त्यौहार दीपावली का तैयार था, कटरा से सब्जी मंडी, शंकर जी की मूर्ति से लेकर शिवली कॉलेज और शिवली कॉलेज से लेकर हरिओर नगर तक, गालिनगंज से लेकर एक भी रोड नहीं बना था, लेकिन दीपावली दशहरा के समय सुबह खोला गया, एक पट्टी बन गई, दूसरे दिन पूरी बन गई। और इससे पहले माननीय अखिलेश जी यहाँ के सांसद थे, भागे क्यों? माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यहाँ के सांसद थे, कभी दिखे नहीं। अब धर्मेंद्र जी आए हैं सांसद बन के, भैया कैसे विश्वास करें आप दिखोगे? दिनेश लाल यहाँ आया, यहाँ पे फिल्मों का काम स्टार्ट किया, लगातार फिल्में मिलने लगी, रोजगार मिला। यहाँ के आजमगढ़ के होटल सिधारी पर आप जाइए, गंगोत्री देख लीजिए, उसके आगे जितने होटल है रोडवेज से लेके सारे होटल बुक रहते थे। उसके बाद यहाँ से पर डे 300-400 लोगों के खाने का, सब्जी राशन से लेकर यहाँ के गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, वो पैसा किसके घर आया? यहाँ के लोकल लोगों के अंदर आया, यहाँ के लोकल कलाकारों को काम मिला। बाकी यहाँ पे चर्चा किया जाता है कि दिनेश लाल कुछ नहीं किया, आप गांव-गांव जाइए, शूटिंग जहाँ चलती थी पर डे 150-200, उसमें आधे से ज़्यादा सपा के कार्यकर्ता टोपी बदल के चले आते थे, गमछा ओढ़ के भगवा, और अपने गांव के 10 लोगों का काम करा के गांव में जा कहते थे कि देखिए हम सपा के लेकिन काम करा रहे। और वो काम दिनेश लाल यादव करता था, मैं गवाह हूँ, मेरे साथ, मैं फिल्म का कलाकार हूँ, मैं देखता था वहाँ पे पर डे 150-200 लोग आते थे, एक सुबह से काम तक। जो फिल्म 15 दिन में शूट होती थी, प्रोड्यूसर परेशान हो जाता था, 50-60 लाख रुपया लगता था, वो 80 लाख में चला जाता था, बस इसलिए कि सांसद जी का बात है, दिनेश जी का बात, जो जुबली स्टार हैं उनके नाम पे 30 लाख रुपया बर्बाद करते थे, और सांसद जी यहाँ पे पर डे 150-200 लोगों का काम कराते, सबका काम हुआ। आप गांव-गांव में जाइए, पता कीजिएगा, एक एक लोगों का कलाकार है, मैं कलाकार के साथ करते हैं, एक सामाजिक जो कार्यकर्ता भी हूँ, रिलीफ इंडिया क्लब कलाकारी, मैं फिल्म का एक्टर हूँ, और भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट जब अखिलेश जी का सरकार था उस समय मेरा ऑल इंडिया में सेकंड सिलेक्शन हुआ था, मैं लखनऊ में भारतेंदु नाट अकेडमी का एक पूरा ऑल इंडिया में सेकंड टॉपर था अपने कॉलेज का, वहाँ हुआ जब मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट एक्टिंग में पास आउट हुआ हूँ अपने अकेडमी से। और उसके बाद मैं अखिलेश जी की एक अच्छी योजना थी, मैं जानता हूँ कि उन्होंने कलाकारों का संवर्धन किया, लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने काम किया, मैं इसे दो राय नहीं करता हूँ, काम किया उन्होंने कि नहीं किया, काम उन्होंने आजमगढ़ में काम किया, लेकिन ज़मीन पर 1.5 सालों में जिस मौका है समय पे दिनेश लाल ने काम किया, अगर ये दिनेश जी 5 साल अरे अखिलेश जी 5 साल रहते तो अच्छा लगता, लेकिन ये लोगों का क्या भरोसा, 3-2.5 साल के आ रहे हैं, फिर कुछ समय बाद अगर यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा छोड़ के भाग जाएंगे कहीं और। ये 1.5 साल का जो उन्होंने मौका गंवाया, ये लोड किसके ऊपर पड़ रहा है, जनता ये देखेगी कि नहीं देखेगी? 1.5 साल में अगर आपके आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है तो इसका कितना खर्चा होगा, ये कौन देगा? आपको रोजगार चाहिए, आप की सरकार 2-3 बार रही, इससे पहले मायावती जी की सरकार, कौन कितना नौकरी पा गया? क्या कोई आईएएस पीसीएस पैदा होकर पैदा होता था? आज 2014 से भाजपा 2014 सहित सबको रोजगार चाहिए, और 15 लाख का हिसाब मांगने वालों से मैं कहता हूँ एक बात, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना, 3-4 साल से आप 5 साल से आप फ्री में 2 टाइम राशन पा रहे हैं, आवास योजना मिला, और आपको किसान निधि योजना मिल रहा है, और सुकन्या योजना मिल रहा है, टोटल जोड़ लीजिए आपके 15 लाख से ज़्यादा आपको मिला, और कैसा पैसा 15 लाख मांगोगे? मेहनत करके पाओगे कि हराम में पाओगे? 15 लाख रुपया से ज़्यादा गवर्नमेंट दे रही है, और गाली वही दे रहे हैं जो लॉकडाउन में चना नमकीन और चीनी पाए, नमक जो है गली गली में फेंका जाता था, चना आप खा लोगे, दाल खा लोगे, चीनी खा लोगे, चावल खा लोगे, और जैसे ही योजना आती सबसे पहले लाभ उठाओगे, नमक फेंकोगे, नमक का कर्ज अदा कर सकता है कोई? नमक फेंकोगे, 15-16 पैकेट नमक उठाकर मैंने लिया और दुकानदारों को दे दिया, दुकानदार आराम से अपने दुकान पे इस्तेमाल कर लिए, नमक का कर्ज आपको याद नहीं दिया मोदी ने? मोदी ने दिया, बहुत दिया, लेकिन लेने वाला जब कहते हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पा के चूतिया बना रहे हो, 5 किलो राशन तुम्हारे पेट में जा रहा है तभी गाली दे रहे हो, नहीं जाता तो तुम साले पाने के लिए तरस जाते। आज जिनके पास कांग्रेस का गवर्नमेंट था, किसके पास पक्का आवास था? अपना खुद का निजी आवास था,
किसी के पास निजी आवास था, आज गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उसमें भी कितने बिचौलिए हैं कि जो पैसा ले ले रहे हैं, मकान नहीं बनवा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक्शन हो रहा है। क्या चाहिए आपको? आपके बच्ची पैदा हो रही है 15 साल नहीं 21 साल तक के लिए सरकार उनको समय समय पर पैसा देने दे रही है। 5 लाख का आपको जो है आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, 5 साल आपको 5 लाख का आयुष्मान योजना कार्ड मिल रहा है। जो लोग गाली दे रहे हैं उनसे पूछिए, आप उनसे बस इतना कहिए आप सरकारी लाभ उठाते हैं, वो कहेंगे नहीं तो अपने घर का आप जो मुखिया उसका नाम बताइए, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके घर की सारी योजना ख़त्म हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी, आपके कैमरे और आपके माइक के सामने से भाग जाएंगे। क्योंकि जिनका 5 किलो राशन का बोला ना मैं कि जिनका पेट भरा है वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं, जिनका पेट भरा होगा वही ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि सरकारी योजना का लाभ सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है, सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा हो रहा है, सबको पता है। ये देश सबका है, हर किसी ने अपने खून से सींचा है, लेकिन ईमानदारी भी तो इस देश के लिए निभाओ। कैमरे के सामने माइक के सामने चिल्लाने से गरियाने से कोई मतलब नहीं होता है, तुम्हारा आधा से ज़्यादा अगर उसी के माध्यम से चल रहा है। कांग्रेस के दरमियान में कोई राजनीति पर चर्चा करने वाला नहीं था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज से 2014 से पहले राजनीति के बारे में कोई चर्चा करने वाला नहीं था, लेकिन 2000 के बाद बच्चा बच्चा भी जानता है, किसको जानता है, मोदी को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो ऐसा काम किया, बाकी अगर किसी ने काम किया होता वो जानता है। जिस पावन धरा पे खड़े यहाँ का एक महान आदमी आपके बगल में, यहाँ का पूर्व चेयरमैन गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, जो यहाँ पे आज भी यहाँ का जो धरती पुत्र आजमगढ़ का, वो धरती पुत्र है जिसने अपने 2 बार 3 बार के कार्यकाल में नगर पालिका क्षेत्र में वो काम करा दिया कि उसको छोटे से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जानते हैं। उसके बाद यहाँ 25 साल का विधायक हो जो 25 साल से यहाँ खूटा गाड़ा है, चाहे यहाँ का पूर्व सांसद जो किसी के बारे में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं है, एक दो नाम यहाँ चलता है, एक स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, दूसरा मोदी, तीसरा योगी, इसके अलावा और कोई नहीं आजमगढ़ में। कह रहे हैं यहाँ तो नाम मुलायम सिंह जी का चलता है, आप देखिए पुल चलता था, लेकिन कब चलता था? उनके लोग चलाते थे और उनके पैरोकार लोग चलाते थे। आप यहाँ 200 लोगों के ऊपर सर्वे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने लोग मुलायम का नाम लेते हैं। चलिए वो तो स्वर्गीय हो गए मुलायम सिंह यादव, अब तो उनके परिवार के लड़के को टिकट है, धर्मेंद्र यादव को। ये कौन है? ये कौन है? मैं इतने लोग खड़े हैं यहाँ धर्मेंद्र जी के पिताजी का नाम कोई बता दे, कोई नहीं जानता। पूछ लीजिए उनके पिताजी, झूठा इसे, उनके पिताजी कहाँ के सांसद थे? वो सांसद थे ना राजनीति में, किसी को पता नहीं होगा। और धर्मेंद्र जी का 3 चुनाव हार के गए, 3 दिन के लिए आए, फिर गायब हो गए, फिर आए, कहाँ आए? मऊ में आए थे। यहाँ पे यादव मरा उसके यहाँ नहीं आए, मऊ में आए, मुख्तार अंसारी के यहाँ आए। यही तो पूछ रहा हूँ, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद नाम है, अरविंद चौरसिया जी, फूल के कह रहा हूँ। मुख्तार अंसारी क्या है? यहाँ यादव नहीं मरे, यहाँ मुस्लिम भाई नहीं मरे, यहाँ हिंदू नहीं मरा है, वहाँ एक राजनीति की रोटी सेकने। लोग मोदी से हिसाब मांगते जाओ, मुख्तार अंसारी से मांगो, 11,000 करोड़ रुपया कहाँ से पाया? अवैध जमीनें, अवैध कारोबार, मछली मंडी से लेकर कोयला मंडी से लेकर बनारस तक के पूरे पूर्वांचल में कब्जा किया, कहाँ से किया? सांसद वो सांसद नहीं रहा, सांसद ही जितनी बार लड़ा हारा, विधायक ही लड़ा, कौन सा उसने पहाड़ कमा लिया? इतना 1,000 करोड़ 11,000 करोड़ पे उसका डीपी लगा रहे हैं लोग, उसकी तारीफें कर रहे हैं, उसके जुल्म व सितम के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। कह रहे मसीहा है, किस बात का मसीहा है? आप 100 लोगों का लूटिए, 10 लोगों में गरीबों में बांट दीजिए, वो 10 के लिए मसीहा है, 90 के लिए मसीहा नहीं है। आपकी दुश्मनी कृष्णानंद राय से थी, बाकी उस गाड़ी में बैठे 6 लोग आपके दुश्मन नहीं थे? गोलियों से भुनवा दिया आपने, उन 6 के परिवार से जाके पूछिए कि मसीहा थे कि क्या है वो, उस पूरे आवाम से पूछिए, उस गाजीपुर के वो चट्टी चौराहा जो था वहाँ जाके पूछिए। लेकिन योगी के आने के बाद आजमगढ़ कुछ बदला, कहते हैं यहाँ भी तो ऐसा ही था, यहाँ से भी तो माफिया निकल। मैं एक चीज जानता हूँ, किसी भी धर्म बिरादरी से लेकर खास करके व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी दुश्मनी थी गुंडागर्दी। योगी जी के आने के बाद जितने भी माफिया,
जितने बड़े गुंडे बदमाश किसी भी जाति बिरादरी के थे, खत्म। ये बतावा, जब आदमी भूख से मरे तो क्या करी, माला सबके पहनाए, कौन काम हमें दा काम, कौन काम हमें दे, हम पढ़ा लिखा था, हम आऊ है का कर बोला, चली गड्ढा खनी तू खनवाई बा, कितना महीना रोज दे, काम तो है चाहिए, कितने रुपए का काम चाहिए, काम है, काम है, काम है, काम। मेहनत करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, काम चोरों के लिए काम की कमी है, मेहनत करने वालों के लिए काम नहीं है कमी। मैं तो एक चीज कहता हूँ, नौकरी के भरोसे क्यों बैठो यार, हुनर पालो तो आपके द्वार पे लोग पूछ कर लेके जाएंगे, इज्जत से गाड़ी बैठा के ले जाएंगे, पैसा देंगे, हुनर तो पालो। अब तुम बैठ के घर में सुबह शाम चाय पानी पी के शाम को आके कहो नौकरी ना दे तुम्हें, तो ना जाने लोग नौकरी पाने वाले। की तो इतनी बात बता दी आपने, योगी जी के बारे में बता दीजिए कुछ। योगी जी के बारे में सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं योगी जी के गवर्नमेंट में। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाई हुआ, हर व्यापारी खुश है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। एक समय था कि 7 बजे 6 बजे के बाद लड़कियां घर से निकलना भूल जाती थीं। इसी आजमगढ़ के हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, लड़के कहीं बाहर जाते थे नौकरी चाकरी के लिए, रूम नहीं मिलता था। और आज कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, अच्छा बाबा की नगरी से, तो बाबा की ये पावर। पहले कहते कोई लड़का बाहर जाता था उसको पूछते थे तुम आजमगढ़ से हो, बोलते थे तो माफियाओं का क्षेत्र है, गुंडों, आतंकवादी की श्रेणी में जोड़ा जाता था। कुछ परसेंट लोग यहाँ के कौमी एकता को मुंह दिखा रहे हैं, कुछ परसेंट लोग, हिंदू नहीं गड़बड़ है, मुस्लिम नहीं गड़बड़ है, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं इस धरा पे, आजमगढ़ की पावन धरती पे, कि जो लोग यहाँ पे यहाँ के माहौल को बाहर गंदा किए आजमगढ़ के नाम को। लेकिन आज के डेट में आजमगढ़ का मान सम्मान सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, और आजमगढ़ सुरक्षित है, और आजमगढ़ नहीं पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है माननीय योगी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट में जी। तो आजमगढ़ भी इस बार मन बना चुका है भाई योगी। देखिए आजमगढ़ की जनता का अपना मतलब है, आजमगढ़ की जनता का अपना स्वेच्छा है। इस बार निरहुआ जी बम्पर रोड से जीत रहे हैं, सांसद रहेंगे हमारे जी, बिल्कुल सांसद रहेंगे। 1.5 साल वो किया जो यहाँ पे 5 साल मुलायम जी और उसके बाद 3.5 साल अखिलेश जी नहीं करके गए, दिन रात आजमगढ़ में। आप देखे आपके पीछे ही सांसद जी हैं, भैया कैमरा घुमाइए, देखिए धर्मेंद्र जी, देखिए इधर कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या, धर्मेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं क्या, आप जितने दिन से घूम रहे धर्मेंद्र जी दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए, जो दिख रहा है आप समझ लीजिए खुद, जो दिखाई दे रहे हैं भाई जनता के बीच, जनता का आदमी है, जनता जो दिखता है वो बिकता है और वो करता है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कर रहे हैं, एक बार 5 साल का दीजिए मौका, उसके बाद आप भूल जाएंगे धर्मेंद्र कौन है, तेज प्रताप कौन है, फलाना कौन है, मोदी जी का क्या होगा, गठबंधन है वहाँ तो बहुत सारे, कितना गठबंधन ही, वो ठग बंधन है, मोदी जी तो आ रहे हैं, इनका क्या, ये तो साले उसमें के हैं कि अगर इनकी 10-20 सीट बढ़ जाएगी बीजेपी से तो ये 25 यहाँ आ जाएंगे वापस कि मोदी जी हमको ले लीजिए शरण में। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं, इनका क्या भरोसा, ममता दीदी भाग गई और उसका नीतीश जी भाग गए, थोड़ा आगे आ जाइए, कह रहे हैं भाई थोड़ा इधर हो जाइए क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जाओ भाई थोड़ा इधर, बहुत देर हो गई बोलते बोलते, आओ भाई आओ। धीरे धीरे गठबंधन के सारे लोग भागते जा रहे हैं और चुनाव जैसे आएगा उसके बाद देखिएगा, चुनाव बाद ऑटोमेटिक भाग जाएंगे क्योंकि बीजेपी तो पूर्ण रूप से बहुमत से सत्ता में आ रही है। राहुल गांधी जैसे मजबूत नेता हैं, ममता बनर्जी जैसी नेता है, राहुल गांधी ये कौन है, क्या बात कर रहे हैं, अरे भैया उसको कौन जान रहा है, राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी तो जो छोटा छोटा दल बनाया ना उसके बीच में भी तो गायब है, उनके बीच में भी गायब, राहुल गांधी को पहचान रहे हो भाई, वो तो गायब है, आगे सांसद जी आ रहे हैं। तो भाई ये थी आजमगढ़ की जनता।
जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से, बताइए क्या कह रहे हैं भाई, ये नहीं बोलने रुक रहे। अब चलते हैं संसद जी का काफिला आपके पीछे, संसद चले चले चले।